हे पीपल, वेलकम बैक टू माई चैनल आफ्टर सो लॉन्ग। जो लोग मुझे नहीं जानते, आई एम काजल, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट SKMCS मुजफ्फरपुर बिहार। इतने महीनों बाद एक फ्रेश वीडियो आ रहा है। आज ये जो वीडियो मैं शूट कर रही हूँ, फ्रेश क्या, बाकी सब स्टेल था। अरे भाई, पिछले 6 मंथ से आई वॉज इनएक्टिव ऑन माई ऑल सोशल मीडियाज। वो अलग बात है कि आई गॉट सम करेज और उसके बाद मैंने शूट करना कंटिन्यू रखा, उसको एडिट किया और उन वीडियोज़ को मैंने अनलिस्टेड पे रखा था। तो अभी जो वीडियोज़ आ रहे हैं ना चैनल पे, वो सब उस टाइम के वीडियोज़ है, कोई भी फ्रेशली शॉर्ट वीडियोज़ नहीं है। एंड बट अब से आई विल बी एक्टिव। इधर हम क्यों देख रहे हैं बार बार, इधर देखना है। आदत छूट गई है 6 महीने में वीडियो शूट करने की, यार इट हैपेंस। अगर तुम लोगों में से किसी ने नोटिस किया होगा तो मेरे चैनल पे ना बहुत सारे वीडियोस थे, अराउंड 80 वीडियोस, बट लाइक अराउंड 5 or 6 months पहले मुझे सारे वीडियोस को अपने चैनल से हटाना पड़ा और उसके बाद फिर 6 महीने के लिए आई वॉज इनएक्टिव, कम्प्लीटली इनएक्टिव ऑन माई चैनल। बस एक पोस्ट मैंने डाला था कि आई विल बी एक्टिव आफ्टर 6 months और समथिंग समथिंग, एंड लगभग 6 महीने हो गए हैं एंड आई एम बैक अगेन। इन दिस वीडियो आई विल टेल यू द रीज़न वाई आई वॉज इनएक्टिव, आई वॉज नॉट डेड, आई एम अलाइव। वीडियो नहीं बना रहे थे, क्यों नहीं बना रहे थे, आई विल टेल यू इन दिस वीडियो। और ज़्यादा ऐसे बकैती किए बिना चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गेट इन टू द वीडियो। 6 अक्टूबर से हम लोगों के प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो गया, उसमें हम लोगों को करिकुलम से इंट्रोड्यूस किया गया और फिर जितना भी हम लोगों के सब्जेक्ट्स है सारे सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस किया गया, फिर सारे क्लासेस स्टार्ट हो गए और धीरे धीरे चलने लगे। एंड इसी बीच पे हुआ भाई ब्लंडर। कौन सा ब्लंडर, कि जो सारे वीडियोस मैंने हटाए थे चैनल से। तो ऐसा होता है ना कि जो फर्स्ट ईयर के जूनियर मोस्ट बैचेस होते हैं, जैसे कि अभी मैं आई SKMCH में 23 बैच, तो हम लोग हैं जूनियर मोस्ट। तो ऐसा होता है ना कि किसी भी, लाइक लिटरली किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ भी पोस्ट नहीं करना होता है। लाइक सीनियर्स को कुछ भी तुम्हारा दिख नहीं जाना चाहिए, कि ऐसा होता है, आई डोंट नो क्यों होता है, बस होता है, इतना जानो ऐसा होता है। और मैंने क्या किया, तो आई वॉज ऑलरेडी मेकिंग वीडियोज फ्रॉम लॉन्ग अगो और बहुत सारे वीडियोस थे चैनल पे। तो आई, फिर मैंने वाइट कोट सेरेमनी का भी शूट किया था, उससे पहले के भी वीडियोस थे मेरे पास। आई थिंक मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था उस टाइम पे, शायद गेट रेडी विद मी फॉर माय एडमिशन डे, और वो मैंने पोस्ट किया और सीनियर्स में से किन्हीं सीनियर को वो वीडियो मिल गई, ठीक है। उसके बाद मेरे को कॉल आया, कि मेरे को ये पता नहीं था भाई कि ऐसा करना होता है कि सीनियर्स को नहीं दिखना चाहिए तुम्हारा पोस्ट या कुछ भी सोशल मीडिया पे। आई वॉज अ यूट्यूबर, भले ही छोटा सा चैनल है, सब्सक्राइबर्स नहीं है, बट यूट्यूबर तो हूँ ना लाइक। तो उसके बाद फिर मेरे को बोला गया कि ऐसा होता है। भाई मेरे तो प्राण निकल गए कि अब मैं क्या करूँगी। लाइक कंटेंट क्रिएशन इज लव फॉर मी एड, बट अब क्या कर सकते हैं, जो है सो है, इट्स मेडिकल कॉलेज और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि नॉर्मल लोगों को लगेगा भाई ऐसा थोड़े ना होता है, भाई होता है, ये मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे ऐसा ही होता है। सो लाइक ट्रिपल बेड में हम लोग रहते हैं, सारे जो रूम्स हैं वो ट्रिपल बेड है, मेरी 2 roommates हैं। तो ऐसा मेरे को बोला गया कि नहीं, हम लोग नहीं, वैसे समझाया गया, ऐसा बताया गया कि नहीं, हम लोग वीडियोज़ पोस्ट नहीं कर सकते हैं और अभी फ़िलहाल के लिए आई विल हैव टू रिमूव ऑल माई वीडियोज़ फ्रॉम माई चैनल। अभी तो मैं बता रही हूँ ऐसे खुशी खुशी, राइट। लेकिन उस टाइम जब मेरे को पता चला था ना, आई स्टार्टेड क्राइंग ऐसे बहुत ज़्यादा, समझ में आ रहा है तुमको, लाइक 80 वीडियोज़ थे, उसमें मेरी इतनी ज़्यादा मेहनत थी भाई, वो सब साइड कर दो कि कैसा क्वालिटी था वीडियो का, कैसा वीडियो था, उसमें कंटेंट था कि नहीं, वायरल हुआ कि नहीं, दैट्स अनदर थिंग, बट वो वीडियो था, उसमें मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत करी थी। और अब था कि अब उन वीडियोज़ को हटाना होगा, लाइक ये रहा, लाइक आई विल शो यू, ये मैंने टैब खरीदा है नया, ऐसे एक वीडियो सेलेक्ट किया, उसको मैंने ऐसे अनलिस्टेड पर डाला और ऐसे हंसू आ रहे हैं इधर से। और मैं इतना ज़्यादा रो रही थी ना, मेरी रूममेट्स मेरे को देख के सदमे में चली गए, भाई वो लोग बस रोने ही वाली थी। और उस दिन मैं बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा रोई यार, मतलब बहुत दुख हो रहा था, सारा वीडियोज़ मैंने हटा दिया और कुछ दिन तक तो मैं सदमे में थी, बट फिर धीरे धीरे ये करेज मैंने जुटाया कि ठीक है अब है तो है फिर, क्योंकि मेरे को तो कंटेंट क्रिएट करना ही था, दैट्स लाइक करना ही है, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है कंटेंट क्रिएशन, लाइक आई एम ऑब्सेस्ड विद कंटेंट क्रिएशन। तो आई थॉट कि चलो करना तो है ही, तो रोना धोना बंद हुआ कुछ दिन के बाद, फिर मैंने शूट करना स्टार्ट किया, फिर शूट करके एडिट करके आई यूज़ टू अपलोड द वीडियो ऑन माई चैनल सीबू नवीश, और उसको मैंने अनलिस्टेड पर रखना स्टार्ट किया। तो ऐसे ऐसे करते 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 अभी फाइनली इतने दिन बीत गए हैं और अब जा करके फिर सीनियर से परमिशन मिला कि चलो ठीक है, अब तुम लोग वीडियोज़ जो भी यहाँ पे यूट्यूबर्स हैं वो लोग अपने वीडियोज़ बना सकते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हैं।
तो अब उन वीडियोस को मैंने धीरे धीरे शेड्यूल करके पोस्ट करना स्टार्ट किया. सो दिस वाज द रीजन आई वाज इनएक्टिव ऑन माय चैनल फॉर लास्ट 6 months. आई वाज अलाइव भाई. मेडिकल कॉलेज के जो चोचले हैं ना भाई, इतने सारे लाइक चोचले नहीं है भाई, अब मेडिकल फील्ड के तो हम लोग पार्ट है, तो चोचले क्या ही बोले. मतलब ऐसा अभी वियर्ड सा लगता है, क्योंकि अभी हम लोग नए नए आए ना, हम लोग को कुछ पता नहीं चलता. भाई ऐसा होता है क्या, ये क्या हो गया, ओह माय गॉड, मेरा तो जीवन यहीं पे ख़त्म हो गया. बट ऐसा कुछ होता नहीं है, लाइक धीरे धीरे अडेप्ट हो जाता है. जैसे कि मैंने भी अडेप्ट कर लिया, तो लाइक 5 months के लिए आई वॉज इनएक्टिव, बट आई वॉज शूटिंग वीडियोज एंड क्रिएटिंग कॉन्टेंट. और अब जब परमिशन मिल गया तो आई स्टार्टेड अपलोडिंग, और धीरे धीरे मैंने सारे वीडियोज़ अपलोड किए, और नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल बी एक्टिव